नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत श्री पैर बंदूर से की थी। आज शनिवार को राहुल गांधी की इस पद यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मुलगामुदु से हुई। कांग्रेस की इस यात्रा में कांग्रेस को भारी जन समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी ने दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसकी कीमत 41,000 रुपए से ज्यादा थी। तो वहीं दूसरी ओर इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब से भाजपा घबरा गई है। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से भारत देव को ट्वीट किया और दो तस्वीरें पोस्ट की। एक तस्वीर में राहुल गांधी दिख रहे हैं, जबकि दूसरी में उनके द्वारा पहनी गई टी शर्ट की कीमत दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में दावा किया गया है कि बर्बेरी टी शर्ट की कीमत 41,257 रुपए है। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के शहजादे को इस 42,000 रुपए वाली टी शर्ट में शायद पैदल चलते समय गर्मी कम लगती होगी, या फिर महंगाई इतनी है कि बेचारे से ज्यादा महंगी नहीं खरीदी गई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पलटवार से अब खुद भाजपा घिरती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर तंज लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 10 लाख के सूट, 1.5 लाख के चश्मा सहित प्राइवेट हवाई जहाज, घड़ी आदि को लेकर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि कल 11 सितंबर को यह पदयात्रा केरल पहुंचेगी और अगले 18 दिनों तक राज्य से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी और उसके बाद उत्तर की तरफ अन्य राज्यों में जाएगी। पार्टी ने राहुल गांधी समेत 119 नेताओं को भारत यात्री का नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई कांग्रेस नेता इस रैली में भाग लेते हैं। पार्टी ने इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बताया है। 19 सितंबर को प्रियंका गांधी के भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।